हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एमएनएस प्रिपरेशन 2021 सो so, आज मैं आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लाई हूँ मैंने आपको कुछ दिन पहले बायोलॉजी के कराए थे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज उसके बाद मैंने आपको केमिस्ट्री करवाया था फिर फ़िजिक्स एंड कल मैं आपको जनरल नॉलेज का प्रोवाइड करूँगी ठीक है तो ऐसे ही कर के हम लोग ऑल्टरनेटिव डेज पर चारों के चारों अपने सब्जेक्ट्स को क्लियरली लेके चलेंगे सो लेट स्टार्ट विद दिस ब्यूटिफुल वीडियो विद अ ब्यूटिफुल कॉट दैट इज़ परफेक्शन इज इंट अटेनेबल बट इफ़ वी चेज़ परफेक्शन वी विल कैच एक्सीलेंस परफेक्शन हमें आज तक नहीं मिली कहते हैं ना कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता बट अगर हम परफेक्शन के पीछे भागेंगे और परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो परफेक्शन तो नहीं मिलेगा लेकिन कहीं ना कहीं उसके आस पास ज़रूर कुछ न कुछ एक्सीलेंस मिल जाएगा okay so with this beautiful coat and a very positive energy, let's start the video with the first question question is a body of mass twenty kg is kept initially at rest. a force of 80 Newton is applied on the body, then the acceleration produced in the body is three meter second square force of friction acting on the body is. आपसे कहा गया एक बॉडी है जिसका वेट है ट्वेंटी के जी एंड वो रेस्ट पे है इनिशियल में स्टार्टिंग में उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया एटी न्यूटन का जिसके वजह से थ्री मीटर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन होता है उस पर आपको बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है आपको ओके okay, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज़ एटी न्यूटन उसमें से एक्सलरेशन के लिए जो फोर्स है उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा तो ये इक्वेशन बैठता है ठीक है चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कैसे होगा ये हमें पहले ये वाला फोर्स निकालना पड़ेगा जो कि एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई हुआ है तो ये कैसे निकालेंगे एफ का फॉर्मूला विद न्यूटन सेकेंड लॉ दैट इज़ एफ इज इक्वल टू एम ए ठीक है तो एम हमें यहाँ पे मास दे रखा है ट्वेंटी के जी एंड एक्सेलरेशन दे रखा है हम लोगों को थ्री ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सिक्सटी फोर्स आ गया हमारे पास सिक्सटी न्यूटन तो हमें अप्लाइड फोर्स दैट इज़ एट्टी न्यूटन माइनस सिक्सटी न्यूटन कर देना है तो आंसर आ जाएगा ट्वेंटी न्यूटन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया हमारे पास ट्वेंटी न्यूटन ठीक है तो ये हमारा आंसर है सो करेक्ट ऑप्शन एज ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ ट्वेंटी न्यूटन ये थोड़ा न्यूमेरिकल था बट आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम शैल बी मिनिमम फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए मोमेंटम किस में सबसे ज़्यादा कम होगा फॉर एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल चारों का हमें काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखा है तो सबसे ज़्यादा कम मोमेंटम किसका होगा तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच का रिलेशन देखते हैं सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाय टू एम ठीक है ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में मोमेंटम पी स्क्वायर जो है इसका मास के साथ जो इक्वेशन बैठता है वो होता है पी स्क्वायर बा इज इक्वल टू एम दैट इज पी इज इक्वल टू रूट एम तो मास पे डिपेंड करता है मोमेंटम ठीक है अंडर रूट मास पे एंड सबसे जो इसका इस हिसाब से इस रिलेशन के हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ठीक है तो सेम काइनेटिक एनर्जी है चारों का एंड सबसे कम मोमेंटम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वेरी इजी क्वेश्चन अर्थ है आपका उसके सेंटर पे आपके बॉडी का वेट क्या होगा आपको बताना है जीरो इनफाइनाइट सेम एज एट अदर प्लेसेस इक्वल टू दैट एट द सरफेस ऑफ अर्थ सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ ज़ीरो सेंटर पे जो है जीरो हो जाता है आपकी बॉडी का वेट नेक्स्ट द बाइंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द बायट फोर्स क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बकेट है विद फिल फुल ऑफ वाटर बकेट है उसमें अगर आप मग को उल्टा करके डालोगे तो आपने देखा है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है है ना तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बायट फोर्स तो बाय फोर्स किस पे डिपेंड करता है आपको ये बताना है डेप्थ ऑफ द लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कलर ऑफ द लिक्विड नन ऑफ दीज एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड तो बाय एंड फोर्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिफ्थ अ बॉडी एट रेस्ट कैन हैव बॉडी जो कि रेस्ट पे है उसके पास हो सकता है क्या स्पीड वेलोसिटी मोमेंटम एनर्जी मार्क्यू आंसर गाइज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ एनर्जी क्योंकि कहते हैं ना एनर्जी कंजर्व हो जाती है बहुत बार स्पीड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी तो उसके पास स्पीड होगी स्पीड होगी तभी वेलोसिटी होगी वेलोसिटी होगी तभी मोमेंटम होगा तो एनर्जी ऐसी चीज़ है जिसके लिए रेस्ट भी हो तो भी रहता है अन मोशन हो तभी तो भी एनर्जी रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस ऑन मून फॉर एग्जाम्पल मून पे कोई बॉम्ब फट जाता है एक्सप्लोजन हो जाता है ठीक है तो अर्थ के पास साउंड जो है उस एक्सप्लोजन का वो कब पहुंचेगा आफ्टर एट मिनट्स आफ्टर एट आवर्स नेवर एट वंस इजी क्वेश्चन है गाइज सो गाइज इसका राइट right आंसर होगा सी नेवर कभी आवाज नहीं आएगी अगर वहां पे कोई बॉम्ब फूटेगा तो क्यों क्योंकि वहाँ पे तो एटमोसफेयर ही नहीं है एंड साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए है ना तो वो मीडियम ही नहीं है वहाँ पे तो आवाज़ नहीं आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नॉन एज मैक्सिमम फ्रिक्शन इन द मूविंग कंडीशन मैक्सिमम फ्रिक्शन इन द स्टेशनरी कंडीशन मैक्सिमम फ्रिक्शन इन द स्लाइडिंग कंडीशन एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन ओके लास्ट है ऑप्शन नन ऑफ दीज तो आपको बताना है लिमिटिंग फ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन इन द स्टेशनरी कंडीशन आप जिस कंडीशन में रुके हुए हैं स्टेशनरी हैं स्टॉप हैं उस कंडीशन में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पुश आपको किया जा सकता है उसे कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर बॉक्स है कोई ठीक है उसे आप वो रेस्ट पे है उसे आप अगर एट्टी न्यूटन से पुश कर रहे हो ठीक है तभी भी वो हिल नहीं रहा है ठीक है मूव नहीं कर रहा है एंड जैसे ही आपने उसे एट्टी वन न्यूटन से मूव किया उसे पुश किया तो वो मूव हो गया इसका मतलब उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था एट्टी न्यूटन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इको मतलब अगर आप जैसे सुनसान जगह पे जाते हैं एक बार आप कुछ बोलेंगे तो वो तीन चार बार सुनाई देता है आपको तो वो किस वजह से होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रेजोनेंस रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड नन ऑफ दीज मा क्यों आंसर गाइज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली अ जो डोमेस्टिक वायरिंग मतलब जो आपके घर पे वायरिंग की जाती है उसमें कैसा कॉम्बिनेशन रहता है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन या फिर सिर्फ पैरेलल कनेक्शन और सिर्फ सीरीज कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन विद इन ईच रूम एंड पैरेलल कनेक्शन एल्सवेयर या गाइज सो so, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ पैरेलल कनेक्शन पूरे घर में पैरेलल कनेक्शन होती है क्यों होती है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक रूम में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो बाकी रूम्स में ना हो जाए सिर्फ उसी रूम तक रहे इसीलिए किया जाता है पैरेलल कनेक्शन ओके ऐसे सीरीज में रहेगा तो ऐसे ऐसे रहेगा है ना ऐसे सीरीज कनेक्शन इसी कहते हैं ना तो ये अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी बट पैरेलल में नहीं होता है ऐसा पैरेलल में एक जगह जहाँ प्रॉब्लम है वहीं रहता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन टू गेट थ्री इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ़ फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ठीक है एंड आपको इसी एक ऑब्जेक्ट का तीन इमेजेस चाहिए और आपके पास टू प्लेन मिरर्स है तो उस टू प्लेन मिरर्स को आप किस एंगल पर रखोगे थर्टी डिग्री फिफ्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री और नाइन्टी डिग्री चूज़ योर आंसर गाइज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ नाइन्टी डिग्री अगर आप नाइन्टी डिग्री पे रखोगे दो मिरर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मिरर है आपका एंड एक ये मिरर है आपका ठीक है अगर आप ऐसे रखोगे और ये आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको थ्री ये मिलेंगे इमेजेस मिलेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन नेम द ब्राइटेस्ट नॉन स्टार विजिबल टू ह्यूमन आई ब्राइटेस्ट है लेकिन नॉन स्टार है जो कि ह्यूमन आई को विजिबल है मून वीनस मार्स जुपिटर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज मून मून जो एक नॉन स्टार है एंड ये हमें विजिबल होता है एंड ब्राइटेस्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वन पारसेक इज इक्वल टू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आ सकता है वन पार्सेक पार्सक जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है एंड वन पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है यह आपको बताना है टू सॉरी फोर पॉइंट टू सिक्स ईयर्स फोर पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयर्स थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयर्स नन ऑफ दिस माँ क्यों आंसर गाइज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नेक्स्ट थर्टीन द वेट ऑफ अ बॉय ऑन ट्यू सरफेस नहीं होगा गाइज यहाँ पे द सर्फेस होगा ठीक है यहाँ पे द सर्फेस होगा वेट ऑफ द वेट ऑफ अ बॉय ऑन सर्फेस ऑफ मून इज थ्री हंड्रेड न्यूटन द वेट ऑफ अ बॉय ऑन अर्थ सर्फेस इज कोई बॉय है उसका वेट मून पे थ्री हंड्रेड न्यूटन है तो आपको बताना है उसका वेट अर्थ सरफेस पे कितना होगा थ्री हंड्रेड न्यूटन ही रहेगा फिफ्टीन न्यूटन हो जाएगा फाइव न्यूटन या एटीन हंड्रेड न्यूटन अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ओके सो इसका आंसर होगा एटीन हंड्रेड न्यूटन कैसे होगा ये बताती हूँ जो भी वेट होता है किसी भी पर्सन का ऑन मून वो सिक्स टाइम्स हो जाता है वेट ऑन अर्थ ठीक है तो वेट ऑन मून अगर थ्री हंड्रेड दिया हुआ था हमें तो अर्थ पे हम लोग सिक्स मल्टीप्लाई थ्री हंड्रेड करेंगे ओके तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एटीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड न्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फोर्टीन क्वेश्चन इफ़ अ वेव कम्प्लीट्स ट्वेंटी वाइब्रेशन इन टू पॉइंट फाइव सेकेंड्स दैन इट्स फ्रीकवेंसी इज़ कोई वेव है वेव है आपके पास और उसकी वाइब्रेशन इतनी तेज तेज़ है कि वो एक वाइब्रेशन यहाँ तक फिर एक वाइब्रेशन यहाँ तक ये टू पॉइंट फाइव सेकेंड्स में कम्प्लीट कर ले रही है तो उसकी फ्रीकवेंसी क्या होगी टू हंड्रेड हर्ड्स फिफ्टी हर्ड्स एट हर्ड्स ट्वेंटी हर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन से आपको ये तो पता चल रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी की जो एस आई यूनिट है वो हर्ड्स होती है ये आपको पता चल गया ओके okay. ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एस आई यूनिट्स पे एंड इसका जो आंसर होगा फ्रीक्वेंसी जो है उसका फार्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो कि ट्वेंटी है बाय टोटल टाइम जो कि टू पॉइंट फाइव है इसे हम लोग डिवाइड करेंगे अब तो जब भी हम ट्वेंटी बाई टू पॉइंट फाइव करेंगे पॉइंट यहाँ से हट जाएगा जीरो यहाँ पे आ जाएगा फाइव फाइव जो ट्वेंटी फ़ाइव फाइव फोर जो ट्वेंटी जीरो फ़ाइव वन जो फाइव फाइव एट ज़ा फोर्टी तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी दैट इज एट हर्ड्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन सोनार इज अ ब्राइट स्टार कमेट स्पेसिप इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स आपको इसका राइट right आंसर बताना है गाइज एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ कमिट सोनार इज़ अ कमिट ये कोई फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन नहीं है बट क्योंकि मुझे मिला तो मैंने डाल दिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ए सी यूज इन आवर डोमेस्टिक कंजप्शन हैज़ अ फ्रीक्वेंसी डैश ए सी जो कि हम यूज़ करते हैं एज अ डोमेस्टिक वर्क उसका कितना फ्रीक्वेंसी होता है आपको यह बताना है ओके सिक्सटी हर्ड्स फिफ्टी हर्ड्स थर्टी हर्ड्स और हंड्रेड हर्ड्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज फिफ्टी हर्ड्स ठीक है ये इंपॉर्टेंट है फिफ्टी हर्ड्स होता है एसी जो कि हम डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हाउ मेनी डाइन्स आर इक्वल टू वन न्यूटन वन न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं टेन इज टू पावर सिक्स टेन इज टू पावर फोर टेन एज टू पावर फाइव टेन इज टू पावर थ्री एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज टेन एज टू पावर फाइव वन डाइन इज इक्वल टू टेन एज टू पावर फाइव वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन एज टू पावर फाइव डाइन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन डेंसिटी ऑफ गैसेस चेंज विथ डेंसिटी जो होती है गैस की वो किसके साथ चेंज होती है डेंसिटी को हम डेल्टा uh, इसे रो से डिफाइन uh, करते हैं एंड ये चेंज होती है विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर ऑनली टेम्परेचर ऑनली प्रेशर एंड टेम्परेचर इजी क्वेश्चन है गाइस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर डेंसिटी चेंजेस विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड जब भी इवेपोरेशन होता है लिक्विड का तो लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है गैस का टेम्परेचर ऑफ गैस राइजेज टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड रिमेन्ज अनफेक्टेड और टेम्परेचर ऑफ़ दब नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आपको बताना है जब भी इवेपोरेशन होता है लिक्विड का तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज टेम्परेचर ऑफ अ गैस गैस नहीं होगा यहाँ पे लिक्विड होगा टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड फॉल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एंड द लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वेन अ बल्ब इज कनेक्टेड टू थर्टी वोल्ट बैटरी जीरो पॉइंट फाइव एमपीयर करेंट फ्लोज थ्रू इट द रजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब इज सिक्सटी ओम फिफ्टीन ओम वन फिफ्टी ओम थर्टी ओम माँ क्यों आंसर गाइज ओके सो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी बाय आई ओके वी हमें कितना गिवन है थर्टी एंड आई गिवन है, है? जीरो पॉइंट फाइव ठीक है पॉइंट हटाएंगे जीरो यहाँ पे आ जाएगा फाइव वन जो फाइव फाइव सिक्स ज थर्टी एंड जीरो दैट इज सिक्सटी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्सटी ओम रेजिस्टेंस आ गया सिक्सटी ओम अच्छा क्वेश्चन था एंड आपको फॉर्मुलेस भी यहाँ पे कुछ रिवाइज हुए हैं इस वीडियो से आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट डाउन अगर आपको कहीं पे भी डाउट हुए शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एम एन एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो सॉरी चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन कीप सपोर्टिंग बाय